अपने नए कार्यकाल के शुरुआत में ही आपसे मुलाकात करने का अवसर मिला, मैं समझता हूं कि ये खुशी की बात है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के एक विशाल लोकतंत्र और बहुत बड़े भारी बहुमत के भारतीय जनता ने हमें मैंडेट दिया है, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए मतदान किया है, और उसके तुरंत बाद आपने टेलीफोन कर करके बधाई दी। इतना ही नहीं, कल सेक्रेटरी पोम्पियो खुद आपका एक बहुत ही वार्म चिट्ठी लेकर के आए, ये यानी भारत के प्रति आपका जो नाता है, आपका भारत के प्रति जो प्यार है, उसको आपने अभिव्यक्त किया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पोम्पियो भारत आए थे, कई विषयों पर चर्चा हुई है, मुझे अच्छा लगा। मुझे आपका जो गर्मजोशी से भरा हुआ संदेश जो उन्होंने मुझे दिया, समय की सीमा में मैं जरूर चार विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। ईरान, 5G, हमारे द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध, इन विषयों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और भारत और अमेरिका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम कमिटेड हैं और उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। मैं फिर एक बार, आपने समय निकाला, यहाँ मिलने का अवसर मिला, बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।